question number one. Standard material cost for a normal mix of 1 ton of chemical X is based on. So, output is in ton. Okay? Standard usage is given to you. So, this is my standard quantity. 240, 400, and 640 kgs. Don't forget. Next, price per kg. So, this is my standard rate. 6 rupees, 12 rupees, and 10 rupees. Okay, the price has to be in per kg. Okay, during a month, 6.25 tons were produced. So, this is my standard, this is my actual output. ठीक है, ये मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट है और ये मेरा एक्चुअल आउटपुट है. ऑब्वियसली दोनों अनइक्वल है. ओके, सो दिस इज माय एक्चुअल क्वांटिटी इन टन्स एंड दिस इज माय कॉस्ट. ठीक है, तो इसमें एक्चुअल रेट नहीं दिया है तो रेट निकालना पड़ेगा. फाइन. Now, the most important thing here in the sum is, which has to be highlighted, is can you see the standard quantity? It is given in kgs. Okay, the standard quantity is given in kgs. ये देखो, ये kgs में है और ये tons में है. ठीक है, तो base अलग हो गया ना. वी वॉन्ट टू मेक द बेस वॉट सेम करना है. केजीज टन्स सेम नहीं है तो हमको दोनों को सेम करना पड़ेगा. या तो केजीज को टन्स में करना पड़ेगा या टन्स को केजीज में करना पड़ेगा. द बेस्ट ऑप्शन इज टू कन्वर्ट टन्स इन टू केजीज. ओके, इज दिस क्लियर टू एवरी वन? समझ में आया? क्लियर एवरी वन? सो एक नोट लिखो, राइट डाउन अ नोट. ओके, दैट 1 टन इज इक्वल टू 1000 kgs. ओके, तो अभी हम डायरेक्ट कन्वर्जन करेंगे. 1 टन इज वॉट? 1 टन इज इक्वल टू 1000 kgs. ओके, डोंट फॉरगेट दैट. ओके, सो स्टार्ट विद स्टेप वन. Obviously, standard output is how much? 1 ton. बट 1 टन को हम लोग क्या करने वाले हैं? 1000 kgs में कन्वर्ट करने वाले हैं. ओके, देन एक्चुअल आउटपुट इज हाउ मच? 6.25 टन्स. ओके, कन्वर्ट कर दो इसको, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो. तो 6.25 इंटू 1000 इज हाउ मच? 6250 kgs. 6250 kgs. ऑब्वियसली द आउटपुट्स आर अनइक्वल, सो राइट डाउन स्टैंडर्ड आउटपुट इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट. देयरफॉर रिवाइज द स्टैंडर्ड्स. रिवाइज द स्टैंडर्ड्स, व्हाट डू यू मीन बाय रिवाइजिंग द स्टैंडर्ड्स? दैट इज वी हैव टू मेक स्टैंडर्ड आउटपुट इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट इक्वल टू 6250 kgs. डोंट फॉरगेट दिस, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो यहाँ लिखो दिस इज हाउ मच? 1000 kgs. दिस इज हाउ मच? 6250 kgs. और इसको भी 6250 ही बनाना है, रिवाइज स्टैंडर्ड्स को. ठीक है, नेक्स्ट रॉ मटेरियल कितना है हमारे पास? ए बी एंड सी. ठीक है, कितना है इधर? 240, 400 एंड 640. ओके, व्हाट अबाउट एक्चुअल्स? एक्चुअल्स को तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एक्चुअल्स कितना था? 1.6 टन्स मल्टीप्लाइड विथ 1000. ओके,
ये कितना था नेक्स्ट 2.4 मल्टीप्लाइड विथ 1000, नेक्स्ट 4.5 मल्टीप्लाइड विथ 1000. ओके सो डोंट फॉरगेट दिस दैट यू हैव टू चेंज. सो दिस विल बिकम हाउ मच 160 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1.6 इंटू 1000 1600 सॉरी. Then this will be 2400 and this will be 4500. Am I clear about this? Samajh mein aa raha hai whatever I'm doing? Standard rates are given to you. 240 into 6, 840. This is 4800 and this is 6400. ठीक है? हाँ, इधर थोड़ा अलग है. इधर अमाउंट दिया हुआ है 11,200, 30,000 एंड 47,250. ओके तो क्या होगा? ऑब्वियसली ये दोनों को डिवाइड करो, आपको क्या मिल जाएगा? स्टैंडर्ड एवरेज रेट मिल जाएगा. ओके यू विल गेट द एवरेज रेट्स. ठीक है, so 11,200 divided by 1600 is how much? 7. So write here 7. Then 30,000 divided by 2,400. So my answer is 12.5. Write here 12.5. Okay. Next 47,250 divided by 4,500. So my answer is 10.5. Okay, is this clear to everyone? Samajh mein aa raha hai whatever I'm doing? Okay. Okay, to samjha idhar average standard rate nahi diya tha. Average standard rate humko find karna hai. Okay. No average standard rate was given, so it's easy to find, but just divide it, you will get the average standard rate. Now what to do? Now I have to revise my standards. Okay, standard quantity. Okay, ya to cross multiplication karo ya aap direct shortcut use karo, it's up to you. Okay, it's up to you, solely up to you how you want to do it. Okay, obviously I will go with the shortcut. I have taught you that way. Okay. So 6250 divided by 1000 equal to into. Start doing it. First answer kya chahiye aapko? 240. So my answer here is 1500. 1500. I'm doing it now. Next answer chahiye 400. To type 400. Okay. Use the shortcut directly. Don't waste time in cross multiplication. Then you type directly 640. Press equal to. Aap logo ko answer mil jayega. Use the shortcut of your calci. My answer is here 4000. Rates don't change. It's a short term concept. So this will be 6, 12, and 10. Okay, so this will become 40,000. Then 1500. Sorry, 1500 into 6, 9000. You can use that shortcut. Pressing M plus. Yeah, don't forget that. 2500 into 12, 30,000. Press M plus and then press MRC. Okay, wo sab mat bhulna, common steps. Equal to, then M plus. Multiply, equal to, then M plus. Multiply, equal to,
M plus. And directly then what did I tell you? What to press? MRC button. आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा. ओके, सो 30 प्लस 9 इज 39,000 प्लस 40,000. ओके, आई एम डूइंग द लॉन्गकट वे बिकॉज दिस डिजिटल कैलसी डजंट सपोर्ट दैट शॉर्टकट व्हाट आई एम टीचिंग दैट यू हैव टू डू इन योर फिजिकल कैलसी. 79,000. ओके, समझ में आ रहा है सबको? टोटल दिस 1500 प्लस 2500 प्लस 4000 कितना हुआ? 8000. टोटल दिस साइड आल्सो 1600 प्लस 2400 प्लस 4500 8500. टोटल इट 11200 प्लस 30,000 प्लस 47,250 सो 88,450 88,450. ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन नाउ. सो दिस इज माय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दिस इज माय टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट. टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल एक्चुअल कॉस्ट. समझ में आया? क्लियर एवरीवन? गॉट इट? देन वी हैव टू कैलकुलेट रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स आल्सो. अभी कैलकुलेट करके रख देते हैं. Okay, let us use the shortcut. Obviously, we'll be doing that. Yeah, so what is the shortcut that you will be using here? So I'm writing it down. $8,000 divided by $8,500, right? Equal to sign and multiplication sign 2 times. Rubber. Okay. So 8,000 divided by 8,500 equal to sign multiplication sign 2 times. Type 1500. Press equal to. So my answer is 14. I'll just show you the logic once. A is how many kgs? 1500 kgs for 8000 total kgs. So for 8500 kgs, how much? So what are you doing? Cross multiplying. Okay. So reverse this. So it should be ulta likh diya maine. Either you cross multiply or you follow this. It is 8,500 divided by 8,000 equal to 1 into type 1500. Press equal to. Yeah. Please keep it in decimals. Yeah, that will be always better. 1593.75. Type 2500. Press equal to. So 2656.25. Okay. Then type 4000. Press equal to 4250. Okay.
अभी तीनों को ऐड करके देखो, आपको आंसर मिलना चाहिए 2656.25 प्लस 1593.75. ओके, इट हैज टू टैली 8500, इससे मैच कर, राइट, तभी तो इक्वल होगा. इज इट क्लियर टिल हियर? रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स इज क्लियर टू एवरीवन? आई हैड सेड फर्स्ट टू लेक्चर्स आई टॉट यू द शॉर्टकट मेथड. आई सेड हेंस फोर्थ आफ्टर दैट ऑल द अदर लेक्चर्स और सम्स में आई विल डायरेक्टली डू इट. ओके, या क्लियर टिल हियर ना एवरीवन? समझ में आया ना? Now we can start with our sum. I mean the next step, that is step 2 is calculation of formulas. So start step 2, calculation of formulas. First, material cost variance is equal to total standard cost minus total actual cost. Okay, so total standard cost kitna hai 79,000 and actual cost 88,450. So 79,000 minus 88,450. Solve this. 79,000 minus 88,450. So 9,450 adverse. Next, material rate variance, standard rate minus actual rate into actual quantity. So I have three raw materials, so I'll have three different rates with me. Okay, so standard rate is, six, 12 and 10, and actual rate is 7, 12.5, or kitna tha 10.5, multiplied with the actual quantities, that is 1600 kgs, 2400 kgs and 4500 kgs. Solve this, you will get the answer. Ye kitna ho jayega 1600 a negative. This will be 0.5 into 2500 makes it 1200. Okay, obviously a. Ye 10 minus 10.5 is 0.5. 0.5 into 4500 ka half. Kitna ho jayega 2250. Okay, so this is also A. So sab A ye minus minus becomes plus. Tino add ho jayega. 1600 plus 1200 plus 2250 is 5050 A. Okay, next, material usage variance, standard quantity minus actual quantity into standard rate. ठीक है, तो अगेन आई हैव थ्री डिफरेंट रॉ मटेरियल्स, तो माय स्टैंडर्ड क्वांटिटीज विल आल्सो, या सो हाउ मच वाज माय स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वी कैलकुलेटेड 1500, 2500 एंड 4000 माइनस द एक्चुअल क्वांटिटीज 1600, 2400 एंड 4500. ओके, multiplied with average standard rate, that is 6 rupees, 12 rupees and 10 rupees. Okay, 1500 minus 1600 is 100, 100 into 6 is 600, so this is 600 A. 2500 minus 2400 is 100, 100 into 12 is 1200. Okay, this is F. And 4000 minus 4500 is 500, 500 into 10 is
5000. Okay, A. So if you can do it orally, well and good. It will save your time also. Yeah. Minus plus is minus. So 600 minus 1200. कितना हो जाएगा 900 विद अ पॉजिटिव साइन. ओके, माइनस प्लस वापस माइनस हो जाएगा. सो 5000 माइनस 900 विल बी हाउ मच 4100. Oh, this is 600. I'm so sorry. This is 600. It will be positive sign. So, this will be 4,400. Okay, 4,408. Okay, I repeat, minus plus is minus. Okay, so 1200 minus 600 is 600. But 600, 1200 ke pas highest sign hai na, plus ka. So, it plus ho jayega. So, minus plus minus. And 5000 minus 600 is 4400, like this. Theek hai? Next. Next, fourth one. Material mix variance is equal to revised standard mix minus actual mix into standard rate. So A, B, C. Okay. 1593.75 decimals mein hi likho will be better. 2656.25 and 4250 minus 1600, then 2400. And then it was 4,500. Okay, multiplied it with the standard rates, that is 6 rupees, 12 rupees, and 10 rupees. Okay, so 1593.75 minus 1600 into 6, so it is 37.5 A. Then 2656.25 minus 2400 into 12. So 3075F. Next, 4250 minus 4500 into 10. So 2500. This will be A. Okay? So when you solve this, minus plus is minus. So 3075 minus 37.5. 3037.5 again minus. Plus is minus. Okay. Minus 2500. So, kitna jayega? 537.5F. Because 3075 is the highest number with a plus sign. Okay. Then next, material yield variance is what? Total standard quantity minus total actual quantity into average standard rate. Okay? Yeah. So, total standard quantity is how much? Yield variance kitna hai? Yeah, 8000 and 8500. Okay? 8000 and 8500. And how will you get average standard rate? Total standard cost 79,000 divided by 8,000. So 79,000 divided by 8,000. Solve this, you will get the answer. 8,000 minus 8,500 into 79,000 divided by 8,000. So my answer is 4937.50. 4937.50A. ठीक है, ओके. और एवरेज स्टैंडर्ड रेट कैसे मिलता है? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और यू कैन टेक द एवरेज ऑफ द प्राइसेस आल्सो. ओके, और यू कैन इवन डू 6 प्लस 12 प्लस 10 डिवाइड बाय 3.
but I prefer the first one obviously. Okay, and now last step three. Step three, mein I will just verify my answer. Okay, verification. So what am I going to verify first? My first equation. Material cost variance is equal to material rate variance plus material usage variance. So mera material rate variance kitna hai? What was the answer? 5050A. And material usage variance answer was 4400A. Minus minus is plus. 5050 plus 4400. Kitna hoega? 9450. 9450A. Dekho, right again. Material cost variance, yes. 9450A. So, my answer is correct. Okay. Next, I will check material usage variance is equal to material mix variance plus material yield variance. Your LHS has to be equal to your RHS. Okay. Material mix variance answer was how much? 537.5F. Or yield variance answer we just got 4937.50A. Okay. So minus plus is minus. So this is minus over. ठीक है 537.5 minus 4937.5 so my answer is 4400 okay adverse see it has to match 4400 it has to match is the sum clear to everyone LHS equal to RHS equation आया कैसे समझ में आ रहा है Great. Okay. So I guess by now you have understood ki aapka jo step one hai, the table part, that has to be perfect. I mean it has to be correct. So double check karna hamesha table, phir hi step two or three karna. क्योंकि अगर स्टेप वन आपका राइट नहीं है तो टू और थ्री ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाता है ओके एंड ऑब्वियसली दिस शॉर्टकट टेक्निक्स विल कम ओनली विद प्रैक्टिस सो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दिस द चैप्टर इज इजी प्रोवाइडेड यू हैव अ प्रैक्टिस ऑफ इट अदरवाइज यू विल गो बॉन्कर्स विद द फॉर्मूलाज यू विल गेट कन्फ्यूज ड्यूरिंग एग्जाम So practice, start practicing it.